जी क्लास शेयरिंग हो रही है आपके पास? ठीक है, वापस वही स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, एक फ्लो चार्ट बनाई है, इसके अकॉर्डिंगली इनके पास साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, 4। वो कैसे आ रही है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने नंबर ऑफ डिसीजनल स्टेटमेंट प्लस 1 और नंबर ऑफ इनक्लोज एरियाज। अगर हम इनक्लोज एरियाज देखें तो यहाँ पे इनक्लोज एरियाज कितने हैं क्लास? ठीक है, एक इनक्लोज रीजन ये है मेरे पास 1, एक इनक्लोज रीजन ये पूरा है 2, और एक इनक्लोज रीजन ये क्या है 3। सो 3 + 1 = 4। ठीक है, और नंबर ऑफ सिंपल डिसीजंस हमारे पास कौन कौन से हैं? वो भी 3 है। एक ये, यहाँ पे आके इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि एदर यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। एक डिसीजन स्टेटमेंट ये हो गई, सेकंड डिसीजन स्टेटमेंट ये है, जिसपे जाके इसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ ये वाला पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा या ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और थर्ड कौन सी है? ये वाली, जहां जाके इसको डिसाइड करना है कि एदर एंड करना है या तो ये लूप है। ठीक है, ये लास्ट वाला लूप है। ठीक है, अगर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोबारा ऊपर चला जाएगा, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास आउटकम्स क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट, अच्छा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो नोड स्टेटमेंट हो या जो डिसीजन स्टेटमेंट हो वो आपके पास डायमंड के फॉर्म में ही हो, वो सिंपल नोड की फॉर्म में भी हो सकती है। बट आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं उसको कि वो डिसीजन स्टेटमेंट है या नहीं है? बाय काउंटिंग इट्स आउटकम्स, कि उसमें से आउटकम्स क्या जा रहे हैं, कितने जो है वो पाथ उसमें से एज एन आउटपुट जा रहे हैं। एज एन मतलब यहाँ से एक आउटगोइंग है और सेकेंड आउटगोइंग है। तो जिस भी नोड के एक से ज्यादा आउटगोइंग होंगे, यानी कि उससे ज्यादा एजेस निकल रहे होंगे, वो आपके पास एक डिसीजनल नोड है। या तो ये करो या ये करो। ओके ठीक है, सो नंबर ऑफ सिंपल डिसीजन मेरे पास क्या हो गई? 3 + 1 = 4। तो इन दोनों मेथड से हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई है? 4। सो हम इसको, अच्छा साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हमें यहाँ, अच्छा क्लास साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी और ये निकलेगी कैसे, ये क्लियर है? ओके, यहाँ पे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज डिटरमाइन कर रही है? ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है ना, फाइनल वैल्यू जो आ रही है इन फॉर्मूले से, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, दैट इज साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ये बता रही है कि आपकी जो है वो कोड कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जितनी ज्यादा साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उसका मतलब उतने ज्यादा पाथ्स हैं, और जितने ज्यादा पॉसिबल पाथ्स होंगे उस किसी भी कोड में, इट मींस कि वो कोड उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सो ये जो 4 आ रहा है ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स, और इसको हम कह रहे हैं कि दैट इज साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। जितनी ज्यादा साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ज्यादा आपका कोड जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का इन्होंने क्या बताया? A number of industry studies have indicated that the higher the VG, the higher the probability of error. जितनी ज्यादा आपके पास cyclomatic complexity होगी उतनी ज्यादा chances हैं कि आपके पास errors ज्यादा आएंगे। ऐसा क्यों होगा? ठीक है, on average जो है ये वाली cycle है, मतलब ये ज्यादातर code की cyclomatic complexity ये है, लेकिन इसके बाद इस रेंज से बाहर जो आ रहे हैं, जिसकी जैसे जैसे ये हॉरिजॉन्टल क्या बता रहा है कि आपकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी उतना पोर्शन या वो एरिया ऑफ कोड जो है वो आपके पास ज्यादा एरर आने के चांसेस होंगे। ऐसा क्यों होगा? एक
एग्जैक्टली, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आ जाएंगी, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा आ जाएगी, आपस में इंटरलिंक्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा ज्यादा डिसीजन स्टेटमेंट्स हैं, नोड्स हैं, लूप्स हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जितनी ज्यादा चीजें आप ऐड करते चले जाएंगे, आपका प्रोग्राम मुश्किल होता चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा. जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतने ज्यादा चांसेस ऑफ एरर्स भी हमारे पास बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है, सो ये जो प्रीवियस एग्जांपल है इसको उन्होंने बताया कि हमारे पास पाथ किस तरीके से निकल रहे हैं. इन्होंने क्या किया, हर नोड को एक नंबर दे दिया. ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ की है, क्योंकि अगर इन्होंने लास्ट नोड को ऐड दिया है तो फिर फर्स्ट नोड को भी एक नंबर देना पड़ेगा, या तो अगर इसको नहीं दे रहे तो फिर इसको भी ना दे, एनी हाउ, या तो फिर अगर इसको हटा रहे हैं तो यहाँ से ये एच भी हटा दें. ठीक है, सो हमारे पास किस तरीके से आएगी, कैलकुलेट होगा, आपने नोड्स को नंबर दे दिए और उन नंबर के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे. चलो फिर ऐसे करते हैं, नमाज का टाइम भी हो रहा है, हम इसको फिर यहीं तक रखते हैं, फिर आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, हमने साइक्रोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी तक देखा है, इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि नमाज के लिए जाना है, तो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ. अटेंडेंस पे ऐसा करते हैं कि हम 2:10 पे स्टार्ट करेंगे दूसरे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा आफ्टर नमाज ब्रेक, और फिर अटेंडेंस भी फिर अब मैं इस सेशन की फिर उसी के साथ ले लूंगी. ठीक है, अब हमारे 3 सेशन और होंगे ना, ये वाला सेशन तो एंड ही हो गया, तो 3 सेशन और होंगे, उन 3 सेशन में फिर हम 2 अटेंडेंस ले लेंगे, एक लास्ट में ले लेंगे और एक जो है किसी भी टाइम ले लेंगे. ठीक है, ताकि जो लोगों ने अभी अटेंडेंस ले ली है वो फिर नेक्स्ट सेशन पे गायब ना हो जाएं. मैम पेपर के हवाले से भी कुछ स्टार्ट करेंगी. सॉरी, पेपर के हवाले से भी कुछ पूछना है या पेपर के हवाले चेक जी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और मैम वो पेपर का ड्यूरेशन वगैरह का डिस्कस करना था. रिजल्ट मिड टर्म का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? जी जी बिल्कुल, मिड टर्म का रिजल्ट इंशाल्लाह आप लोगों का इस संडे तक आपको मिल जाएगा. बाकी जो क्विजेस वगैरह होंगे मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैंने चेकिंग स्टार्ट कर दिए, तो इंशाल्लाह इस संडे तक आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि मिड टर्म के मार्क्स और क्विजेस और क्विजेस के और असाइनमेंट्स भी जो आपने दिए. असाइनमेंट 1 जो है वो मैंने प्रोडक्ट बैकलॉग का कंसीडर किया है. ठीक है मैम. ठीक है, और असाइनमेंट 2 जो यूजर इंटरफेस है, प्रोटोटाइपिंग. जी, वो जो प्रोटोटाइपिंग आपने की. इसी तरह क्विज 1 यूज केस डायग्राम का जो LMS पे आपने अपलोड किया था, और क्विज 2 आज होगा. मैम मुझे पूछना था, मैंने क्लासरूम जो है वो लेट ज्वाइन किया था, लेकिन प्रोटोटाइपिंग आपको मेल पे भेज दी थी, मतलब आफ्टर उसके ज्वाइन किया था. और प्रोटोटाइपिंग जब आपने कही थी वो जब मैं सारी चीजें अपने पास डाउनलोड कर ली हैं, बस मैं टाइमिंग अब मुझे देखना है, इस वजह से मैं चेकिंग स्टार्ट नहीं की, कि मुझे टाइम ड्यूरेशन देखना है कि किसने कब सबमिट करवाया. जाहिर है जिसका लेट होगा फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके मार्क्स कटेंगे. तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे जो है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने से पहले, लेकिन टाइम पे गूगल क्लासरूम पे उन्होंने लेट सबमिट करवाया और टाइम पे सबमिट करवा दिया मुझे मेल पे, तो वो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे एक रिमाइंडर सेंड कर दें. ठीक है, जब भी आप फ्री हो आज शाम तक कर लें या कल सुबह तक कर लें, ताकि मुझे चेकिंग करने में आसानी हो जाए. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. क्विज जो है वो N-1 है, क्विजेस N-1 अभी तक हो ही नहीं, कितने क्विजेस हैं जो N-1 होंगे? नहीं आप मतलब ये आगे करेंगे N-1 का, देखते हैं. अगर तो 6-7 क्विजेस हो गए तो शायद N-1 हो जाए, लेकिन अगर 5 क्विजेस होंगे या 4 क्विजेस होंगे तो फिर उसमें N-1 नहीं लगेगा. ओके ठीक है, तो आप मुझे जिन स्टूडेंट्स का ये सिनेरियो है जिन्होंने LMS पे या गूगल क्लासरूम में लेट सबमिट करवाया बट मुझे पहले मेल कर चुके हैं, वो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे एक रिमाइंडर सेंड कर दें या ग्रुप पे ही कर दें. वो जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उसमें अपने नेम और स्टूडेंट आईडी के साथ इन्फॉर्म कर दें कि हमने जो है आपको ईमेल पे सबमिट करवा दिया टाइम पे. ठीक है, फिर इसको यहीं तक रखते हैं, फिर हम 2:10 या 2:15 तक कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नमाज ब्रेक के बाद. Till then, Allah Hafiz.